हाय फ्रेंड्स, वेलकम यू नो सी नीति गुप्ता क्लासेस, लेट अस स्टार्ट। तो हम कर रहे थे वैलिड ऑफर, वाले बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो वैलिड ऑफर में क्या क्या पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें से एक भी चीज मिसिंग हुई तो वो वैलिड ऑफर नहीं है, और जब ऑफर नहीं तो काहे की एक्सेप्टेंस, मतलब सब खत्म हो गया, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं। तो ऑफर, अब हम ऑफर का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। तो हमने सारे पॉइंट समझे थे, क्या कहानी है, कैसे कहानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर, तो रूल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर क्या है, वही सारे हैं यार। शुड क्रिएट लीगल रिलेशन, मैं आपको बता चुका हूं, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की इंटेंशन होनी चाहिए आपकी। अगर आपने किसी को ऑफर दिया है जस्ट टू गेस, जस्ट टू वॉन्ट टू नो कि बेटे वो क्या चाहता है, आपकी कोई लीगल रिलेशन क्रिएट करने की कोई इंटेंशन नहीं है, आपका उसका कंसेंट हासिल करके लीगली बाउंड होने की कोई इंटेंशन नहीं है, तो वो एक वैलिड ऑफर नहीं है। सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वेक। सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स, इसमें भी हमने करी थी सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स, बहुत इंपॉर्टेंट है सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स। तो सर्टेनिटी डेफिनेट, तो फॉर एग्जाम्पल आप आते हैं नितिन गुप्ता क्लासेस पे और आप हमसे कहते हो कि जी ये लो 15,000 रुपए हमें पढ़ा दो। ओए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज 15,000 में कौन सा सब्जेक्ट, क्योंकि हम बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यहाँ पे सर्टेनिटी नहीं है। और अगर कोई मिस्टर एक्स है, वो मिस्टर एक्स सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स पढ़ाता है, और आप वहां पे गए और आपने कहा ये लो 15,000 रुपीज, तो ये सर्टेन है कि आप फिजिक्स पढ़ने गए हो, क्योंकि वो सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स होनी बहुत जरूरी है। ओके, तो बहुत सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं, हर सब्जेक्ट की वीडियोज अवेलेबल है, हर सब्जेक्ट की वीडियोज कंपेयर करो फिर ज्वाइन करो मेरे बाद। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, तो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि जो ऑफर हो सकता है वो तो एक्सप्रेस होगा या इम्प्लाइड ऑफर होगा, इम्प्लाइड प्रपोजल होगा, इम्प्लाइड। ओके, इम्प्लाइड का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि बस आके आपके सामने रुकी, नाउ दैट्स एन इम्प्लाइड ऑफर। वो बोल नहीं रहा है कुछ कि आप आ जाओ हम आपको छोड़ देंगे आपके डेस्टिनेशन तक इतने रुपए में, बोलने की जरूरत नहीं है, बस आपके सामने आके रुकेगी, दैट्स एन इम्प्लाइड ऑफर। आप उसमें बोर्डिंग करते हो, दैट्स एन एक्सेप्टेंस। तो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड शुड नॉट बी एन इनविटेशन टू ऑफर, वाले ऑफर मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर। तो इनविटेशन टू ऑफर हर उस जगह इनविटेशन टू ऑफर माना जाएगा जहां पे पंगा हो सकता है, जहां पे पंगा हो सकता है, ध्यान रखना। ओके, और अगर मैं डिफरेंशिएट करना चाहूं तो एक छोटी सी चीज होती है ऑफर, जब हम ऑफर करते हैं किसी को, हमारी इंटेंशन होती है सामने वाले की एक्सेप्टेंस लेने की, एसेंट लेने की, लेकिन जब हम इनविटेशन टू ऑफर देते हैं तो हमारी इंटेंशन होती है सामने वाले को इनवाइट करने की कि आप ऑफर करो। सिंपल सी बात है, तभी वो इनविटेशन टू ऑफर कहला रहा है, सिंपल सी बात है। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हम समझेंगे कैसे कि कौन सी चीज इनविटेशन टू ऑफर है, कौन सी चीज ऑफर है। सिंपल, तो मैंने आपको बहुत बार समझाया, प्रोस्पेक्टस में भी मैंने आपको समझाया कि उसे इन्विटेशन टू ऑफर क्यों बोला गया, टेंडर में भी मैंने आपको समझाया उसे इन्विटेशन टू ऑफर क्यों बोला गया है, अदरवाइज तो पंगा हो जाएगा। तो जहां पे भी पंगा हो जाएगा उसको लॉ ने इन्विटेशन टू ऑफर कहा है, खत्म हो गया। स्पेसिफिक और जनरल, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, स्पेसिफिक ऑफर, जनरल ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर जिसको हमने दिया है या जिन कुछ लोगों को हमने दिया है वही ऑफर एक्सेप्ट कर सकते हैं, ऑब्वियस ही बात है। जनरल ऑफर पब्लिक एट लार्ज को हमने ऑफर दिया है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर भी मैं आपको समझा चुका हूँ, कम्युनिकेशन कंप्लीट होनी बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन हुई नहीं, ऑफरी को पता ही नहीं कि उसको कोई ऑफर भी मिला है, तो उसने एक्सेप्ट क्या किया भैया। कंसेंट ऑफ द ऑफरी, तो कंसेंट ऑफ द ऑफरी ऑब्वियस ही बात है, आपने जो भी ऑफर दिया हो वो ऑफरी का कंसेंट हासिल करने के लिए दिया हो, आप चाहते हो कि ऑफरी इसको कंसेंट कर दे ताकि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सके। कंडीशनल और नॉन कंडीशनल, अनकंडीशनल भी बोल देते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज उसके साथ कोई कंडीशन अटैच हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। आपने मिस्टर एक्स को कहा कि मेरा घर खरीद लो 2 करोड़ रुपए में, खत्म, कोई कंडीशन नहीं है। आपने मिस्टर एक्स को कहा कि मेरा घर खरीद लो 2 करोड़ रुपए में, लेकिन अगर आप मेरा घर खरीदोगे तो आपको मेरी कार भी खरीदनी पड़ेगी 10 लाख रुपए में, सम कंडीशनल, तो कोई कंडीशन भी अटैच है उसके साथ। तो ऑफर कंडीशनल और अनकंडीशनल दोनों हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं हो सकती। एक्सेप्टेंस, जैसे आपने ऑफर दिया है उस पूरे को इन इट्स सब्सटेंस एज इट इज,
या तो एक्सेप्ट किया जाएगा या रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर उसमें कुछ भी चेंजेस किए जाते हैं तो उसको काउंटर ऑफर किया जाएगा, माना जाएगा, उसको एक्सेप्टेंस नहीं 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 माना जाएगा, ध्यान रखना। इसीलिए कहा जाता है कि एक्सेप्टेंस नॉन कंडीशनल, एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं हो सकती, एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं हो सकती, क्योंकि जो चीज ऑफर हुई है उसी चीज की तो एक्सेप्टेंस हो सकती है। अगर आप उसमें कुछ भी वेरिएशंस करते हो तो वो काउंटर ऑफर हो जाएगा, फिर वो एक्सेप्टेंस नहीं है। वल्ले, तो ये था थोड़ा बहुत ऑफर कि ऑफर में क्या है, कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स हो गए। बाकी यहाँ पे तो अगर आप देखोगे तो ये सारे पॉइंट्स मोर और लेस वही थे जो हमने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में करे थे। तो मिलते हैं जरा नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय। अभी तक आपने जितना किया है उसको एक बार नोट्स आपने बनाए हैं उनको एक बार नोट्स आंख बंद करके रिवाइज करो। लर्न नहीं करना है कि दो बार तीन बार चार बार पांच बार आप उसको बोल बोल के लर्न करे जा रहे हो, सब वेस्ट है, सब वेस्ट है, सब वेस्ट है, एकदम वेस्ट है। जब आपका ये कोर्स खत्म होगा ना तब देखना आपको कुछ नहीं आता होगा। समझो उस चीज को, समझो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। हर एक चीज का मैंने रीजन बताने की कोशिश करी है आपको, कुछ भी हम लर्न नहीं करेंगे। और एक चीज सोचो, जब कोई लॉ समझा सकता है तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के साथ तो हम कैसे खेल सकते हैं। तो हर एक चीज की वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, सारे सब्जेक्ट्स कंपेयर करो, जो भी आपने नाम सुन रखा है उससे कंपेयर करो और फिर हमारे पास आओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ना।